2022 के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। एक तरफ जहां क्षेत्रीय पार्टियां गठबंधन के लिए जोड़ तोड़ कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पार्टी की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तभी गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी दिल्ली पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत चार बड़े चेहरों से मुलाकात की। सियासत के गलियारे में चर्चा तब शुरू हुई जब अपना दल की अध्यक्ष और सांसद अनुप्रिया पटेल भी गृह मंत्री शाह से मुलाकात करने पहुंच गई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अनुप्रिया मोदी कैबिनेट में वापस शामिल हो सकती हैं? उन्हें हरसिमरत कौर बादल की जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों की माने तो अनुप्रिया ने केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में भी संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में अपना दल के प्रतिनिधित्व को लेकर अमित शाह से बात की। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश के निगम और आयोग में पार्टी नेताओं को शामिल करने के लिए कहा। बताया जाता है कि कई मुद्दों पर शाह और अनुप्रिया में सहमति भी बन गई है। 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 में उन्हें जगह नहीं मिली। इसके बाद से ही वे नाराज बताई जा रही थी। हालांकि उन्होंने मोदी सरकार या योगी सरकार पर खुलकर कभी भी हमला नहीं किया। अब अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अनुप्रिया ने फिर से गठबंधन को लेकर भी बातचीत शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को अमित शाह से हुई मुलाकात के दौरान उन्होंने ये कहा कि अगर अगले साल चुनाव में ये गठबंधन जारी रखना है तो इसके लिए उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराया जाए और यूपी में उनके नेताओं को सरकार में जगह दी जाए। अनुप्रिया ने अपने एमएलसी पति आशीष पटेल को भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए भी दबाव बनाया। यूपी में अपना दल एसके 9 विधायक है, एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। बता दें कुछ दिनों पहले तक यूपी में अनुप्रिया पटेल की समाजवादी पार्टी के साथ जाने को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। कहा जा रहा था कि यूपी में सत्ताधारी बीजेपी को मात देने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार छोटे छोटे दलों को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन बनाने में जुटी है। इस कड़ी में सपा की नजर अनुप्रिया पटेल की अपना दल पर है। अनुप्रिया की कुर्मी वोटों पर काफी अच्छी पकड़ है। ये फैक्टर बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के लिए काफी महत्व रखता है। हालांकि अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल के मुताबिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने गृह मंत्री शाह से शिष्टाचार मुलाकात की है। इसके पीछे कोई सियासी मकसद नहीं है।